बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। कहाँ से आए हो? हम लोग दिल्ली से जाम पहुँचे। अच्छा, बहन भाई हो आप दोनों, क्या कृपा हुई दोनों? दोनों के गांठे थी, अब गायब हो गई। महाराज जी ने टच किया तुरंत गायब, तो कैसा लग रहा है? ये चमत्कार है बहन जी महाराज के टच करने का। जैसे बोल राम की जय, जय श्री श्याम। कहाँ से आए हो बहन? अच्छा, पहली बार मनोना धाम में आए हो? पहली बार आए हैं। तो ये भाई की क्या समस्या दिखा रहे थे? अच्छा, गांठ थी आपके, अब है? महाराज जी ने टच किया तुरंत गायब हो गई। हाँ जी, बिल्कुल गायब हो गई थी। तो आप मनोना धाम की जैसी महिमा सुन के और देख के आए, वैसा ही आपके साथ ये लाइव चमत्कार हो गया? फोटो में देखा, मैं लग रहा हूं अंदर कुछ सपने दिखे थे, और आज शाम की फिल्म में रात सोई थी ना, तो इन्होंने सपने दिया था। अच्छा, ये मेरे पापा जी हैं, इनको परेशानी होती थी, ये मेरी मौसी का केस चल रहा है। अच्छा, हम सब लोगों ने बहुत कुछ सुना था इनके बारे में। तो अब आपके साथ तो लाइव कृपा साक्षात हो गई? बिल्कुल हो गई, पापा जी ने सीधा हाथ रखा है, बोल दिया, गारंटी है। सुन के आए थे, अब आपके साथ प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। कोई भी कह सकता है, हर कोई ना टाइम नहीं देता है, लेकिन ये बाबा ना सबको टाइम दे रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो कैसा लगा फिर यहाँ का? बहुत अच्छा लगा, ऐसी जगह आए जहाँ बाबा खुद सब पे हाथ रखते हैं, ना कि किसी और पे रखवाते हैं। बहुत बढ़िया, बोलिए हारे के सहारे के, मनोना धाम के, बहन जी महाराज के। जय श्री श्याम। कहाँ से आए बहन जी? तो मनोना धाम में आप आए हो, क्या कृपा हुई मनोना धाम में आकर? तो महाराज जी ने क्या किया था, ऐसा कैसे ठीक हुई? केवल आशीर्वाद दिए, श्याम जल दिए? कब से गांठ थी, कहाँ कहाँ इलाज कराया? बहुत इलाज कराया, कहीं ठीक ना हुई, और महाराज जी ने टच किया, आशीर्वाद दिया, श्याम जल दिया, ठीक। अच्छा, अब ठीक हो, स्वस्थ हो, खुश हो? बोले मनोना धाम के, महंत जी महाराज के, श्याम प्यारे के। बहन क्या समस्या दिखा रहे थे महाराज जी को? क्या समस्या थी हाथ में, हाथ दिखा रहे थे? अच्छा, अब मुड़ रहा है। तो महन जी ने क्या किया, कैसे मुड़ने लगा? ठीक हो गया। तो ये कब से दर्द था इसमें? 6 महीने में से दर्द था, ठीक नहीं हो रहा था, महन जी ने टच किया तुरंत ठीक हो गया। 5-7 दांत का दर्द, इतनी दवाई चल रही है। अब मैंने कल से दवाई नहीं खाई थी, लेके नहीं आई थी, आपको आई, मैंने सोचा। तो ये मनोना धाम का चमत्कार है, कृपा है मनोना धाम, जैसे आप देख के सुन के आ रहे हो, वैसे ही कृपा हो रही है, आप खुश हो? बहुत बढ़िया, जय श्री श्याम। कहाँ से आए आप? बरेली। अच्छा, बच्चे की क्या समस्या दिखा रहे थे महाराज जी को? कब से थी गांठे? अच्छा, अभी महाराज जी ने टच किया, गायब हो गई? बिल्कुल नहीं है। तो क्या कहोगे, ये कृपा है महाराज जी के टच करने की? आप जैसा सुन के आए होगे मनोना धाम के विषय में, वैसी ही कृपा है हुई, खुश हो? बहुत बढ़िया, जय श्री श्याम।
पानी ले लिया, उसमें धक्का लगाया, उसमें ठीक है कर ले मेरी स्वीकार तू अर्जी मेरे बाबा श्याम, दुनिया से मैं हार के बोले मनौना धाम के है बाबा श्याम हर देश के कोना में, लाइव चमत्कार होते हैं तेरे धाम मनाना में। आते हैं जन कितने जो उठ के भी चल न सके, तेरा महंत मंदिर जिस पर भी हाथ रखे, फिर दौड़ लगाते हैं लूले लंगड़े भी धाम से। जाऊंगा मैं न खाली शाम मनाना धाम से। इस बच्चे को कहाँ से लाए हो भी आप? अच्छा, आप मनाना धाम में पहली बार लाए हो, तो इस ये बच्चा कब से नहीं चल पा रहा था? जन्म से बिल्कुल नहीं चल पाता है, तो जैसा महन जी अभी चला रहे थे मतलब बिल्कुल नहीं चल पाता है, तो क्या ये एक चमत्कार है? आप जैसा मनौना धाम में लाइव चमत्कार देख के आयो वैसा ही आपके साथ ये लाइव चमत्कार हो गया, तो कैसा लग रहा है क्या कहोगे? आज बच्चे की उम्र लगभग 10 साल होगी, 10 साल से बिल्कुल नहीं चला था, बचपन से बिल्कुल, और महन जी ने हाथ रखते ही चला दिया, तो क्या कहना चाहोगे इतनी बड़ी कृपा के विषय में? महाराज जी के हाथ रखने का चमत्कार है, बाबा की कृपा है, तो बोलिए मनौना धाम के बहन जी महाराज के श्याम प्यारे के। बोले मनौना धाम के बहन जी महाराज के श्याम प्यारे के।
भोले मनोना धाम के, महंत जी महाराज के, श्याम प्यारे के। देखिए अभी ये बाकुर के सहारे आए थे और महंत जी महाराज ने केवल टच किया है इन्हें और अपने पैरों के सहारे चल रहे हैं और आराम से चल पा रहे हैं। देख सकते हो आप, ये महंत जी महाराज के टच करने का कमाल है, महंत जी महाराज के टच करने का चमत्कार है। और ऐसे ही चमत्कार लगातार हजारों होते हैं दिन भर में। बॉपर के सहारे आते हैं, व्हील चेयर पर आते हैं और अपने पैरों के सहारे चल के जाते हैं। ये महंत जी महाराज के टच करने का चमत्कार है बाबा श्याम की। पहली बार बोली है आप, जन्म से पहली बार बोली है। बोलो मनोना धाम की जय। मनोना धाम की जय। महंत महाराज जी की जय। श्री श्याम, कहाँ से आए बहन? जम्मू से आए। क्या शुभ नाम है? संतोष कुमार। संतोष जी, आप मनोना धाम में आए हो, कैसे जानकारी मिली मनोना धाम? हमारी बहन थी, रामपुर में रहती थी, उसने अच्छा बोला। तो क्या मेरे चाचा जी है, ये लड़की है। क्या समस्या लेकर आए हो? ये बोलती नहीं है। तो आप बोल रही हैं? अभी मम्मी बोला, पहली बार आए, मम्मी बोल रही है। जय बोली मनोना धाम में आकर पहली बार बोली है ये। तो ये चमत्कार है मनोना धाम का, जैसा आप जम्बू में बैठ के सुने थे चमत्कार, आपके साथ ये चमत्कार हुआ है। आप बोल सकते हो कुछ? ऐसा नहीं बोल पाती थी कभी, तो ये कृपा हो गई आपके ऊपर, कैसा लग रहा है? बोले मनोना धाम के, बहन जी महाराज के, श्याम प्यारे के। श्री श्याम, कहाँ से आए भैया, क्या नाम है? मैं आया हूँ जिला पीलीभीत से, लोहिया कॉलोनी से। क्या शुभ नाम है? सर मेरा नाम उमेश कुमार है। मनोना धाम में क्या समस्या लेकर आया? धाम में तो मैं मतलब हार ही गया था, जीवन में ही हार गया था। अच्छा। सब तरीके करवाया था, तांत्रिक उत्तरी सब में घूमा, जितने जहाँ बताया वहाँ गया। अच्छा। बहुत अल्ट्रासाउंड कराए। हाँ। शुगर रहती थी मुझे बहुत। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने ये चार दिन पहले सपने में देखा था ये बिल्कुल सब कुछ, और फिर मैं अल्ट्रासाउंड कराने गया तो उसमें मेरे पैंक्रियाज में दिक्कत आई। तब किसी ने बताया कि यहाँ चले जाओ, मैं यहाँ आया, फिर पीजीआई में इलाज चल रहा था, जांच हुई, उसके बाद मैं जांच कराने गया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कितने दिन पहले आए थे मनोना धाम? अब तो मुझे हो गए 4 महीने थोड़े हो गए, बाबा छठी बार आ चुका हूँ। अच्छा। तो एक बार आए, एक बार में ही कृपा हो गई। अब कृपा हो गई, अब दर्द पर कुछ भी नहीं फिलहाल, कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं है। और शुगर भी चेक कराई, शुगर भी अब ठीक है, सब कुछ खा रहे हैं, सब ठीक है। अब बहुत समय से इलाज चल रहा था, कोई फायदा नहीं था, 2 साल हो गए, दुनिया से हार गए थे। बिल्कुल हार, मैं यहाँ आया था होते हुए आया था बिल्कुल। अच्छा। खत्म कर दी, डॉक्टर बता दे इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा। आप जब इलाज के बावजूद भी कोई इलाज नहीं है इसका कराते हो। तो महाराज जी ने ऐसे कैसे जीवन बदला, क्या किया? श्याम जल दिया था और आशीर्वाद दिया था। केवल श्याम जल दिए, बिल्कुल ऐसे नहीं। शिक्षक हूँ और मैं गुलाब के फूल चाहे मुझे कहीं मिले, मैं ड्यूटी के बाद सुबह और शाम गुलाब के फूल रोज ला के खाती शाम को रखता हूँ। ये सिर्फ वो जानते हैं, मैं जानता हूँ, मेरा विश्वास है और उसी विश्वास में मैं लखनऊ नहीं गया हूँ जाँच कराने अब तक। अच्छा। हाँ तो अब ठीक हो, स्वस्थ हो? हाँ, कराऊंगा नहीं, मैंने प्रण ले लिया है, यही जीऊंगा, यही मरूंगा, इसी धाम के वास्ते। तो पूरा विश्वास है मनोना धाम में और इतनी बड़ी कृपा हुई है, आपका जीवन बदला है, क्या कहना चाहोगे मनोना धाम के विषय में? कुछ भी नहीं खाता था। अच्छा। और अब मैं यहाँ पूरी भी खाता हूँ, चावल भी खाता हूँ, सब खाता हूँ, कुछ भी पेट में दर्द नहीं। तो इतना बड़ा चमत्कार है आपके साथ, क्या कहना चाहोगे महंत जी के विषय में, मनोना धाम के विषय में? सारे लोग यहाँ आए और बहुत सारे लोगों को मैं लेके आऊंगा, अभी उनके पास कुछ समय कम नहीं मिल पाता उनके लिए, जो चारपाई पड़े हैं कई पैरालिसिस में, मैंने उनसे भी काफी प्रचार किया कि चलिए वहाँ पर लाइव कृपा होती है, लाइव कृपा होती है, मुझे देखकर गांव वाले समझते हैं कि पता नहीं अब क्या हुआ है। अच्छा। वरना मेरा वजन 46 किलो रह गया था। अच्छा। और अब मैं कब 54 किलो का हूँ, शुरू में 65 किलो का था, घटते घटते जा रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत कृपा, बस एक पूछने आया, अब मैं
आपको सो बहुत बढ़िया बोलिए हर एक के सहारे के मनोना धाम के महंत जी महाराज के सहारा देना है बस। चलिए चलिए पापा।